हाउ टू रिवाइज। रिवीजन में बहुत टाइम लगता है सर। एक टॉपिक को जब पहली बार पढ़ा था 4 घंटे लगाए थे, तो उसका रिवीजन में वापस 4-4.5 घंटा लग रहा है। दोस्त ने एक बुक कर ली सर, उसने मुझे बताया उसने वो बुक कर ली सर, मैं टेंशन में आ गया, मैंने तो वो बुक करी नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ो, उसका मन में सॉल्यूशन सोचो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि पहली बार आपने कर लिया उसको ठीक। चूंकि एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे सामने आ रही है जब मैं बच्चों से मिलता हूं, सर रिवीजन कैसे करें, हाउ टू रिवाइज। रिवीजन में बहुत टाइम लगता है सर। एक का रिवीजन करते तो सर 2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं सर, बैकलॉग बढ़ता जाता है सर, हम रिवीजन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है सर, रिवीजन प्रॉपर नहीं होने से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यस सर। तो बच्चों ऐसे सिम्टम्स से बचने के लिए आपकी रिवीजन की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सर कैसे होनी चाहिए, तो बेटा देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जो रिवीजन में बच्चा करता है वो बता देता हूं। सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चा रिवीजन में जहां पढ़ने में 4 घंटे लगाए थे, एक टॉपिक को जब पहली बार पढ़ा था 4 घंटे लगाए थे, तो उसका रिवीजन में वापस 4-4.5 घंटा लग रहा है। सर क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चों वो वापस उसी तरीके से रिवीजन कर रहा है, मॉड्यूल के एक क्वेश्चन कर रहे हैं, डीपीपी के एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास नोट्स के एक क्वेश्चन खुद कर रहे हैं। बेटा दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड ऑफ रिवीजन। तो सर फिर रिवीजन कैसे करें, बेटा पहली इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करते वक्त आप वही उन्हीं चीजों का रिवीजन करें जो आपने पहले खुद ने किया है, नई चीजें ना करें। दोस्त ने एक बुक कर ली सर, उसने मुझे बताया उसने वो बुक कर ली सर, मैं टेंशन में आ गया, मैंने तो वो बुक करी नहीं। बेटा जो बच्चा लास्ट टाइम पर बुक कर रहा है वो बच्चों अपना खुद का भी नुकसान कर रहा है और तेरा भी नुकसान कर रहा है। ऐसे लोगों से बचें, आप षड्यंत्र से बचें, कॉन्स्पायरेसी से बचें। लास्ट टाइम पर बच्चों ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती है कि मैंने तो ये कर लिया तूने क्या किया, बेटा इन चीजों से बचें। हमारा खुद का जो हमने राह बनाई है वो इतनी, हमारे को खुद को इतना विश्वास होना चाहिए उस राह पे कि हमें दूसरों से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। सर कैसे रिवीजन करें, जैसे आप क्या करो, फिजिक्स का बताता हूं, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री सेम टाइप के सब्जेक्ट है। आपने पहली बार क्लास में जब पढ़ा, सर ने क्लास में थ्योरी पढ़ाई, जिस भी थ्योरी को पढ़ाया उसके नीचे उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है। जैसे स्टीफंस लॉ, एब्सोल्यूट की रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 यूनिट एरिया से फ्रॉम यूनिट एरिया। तो बच्चों इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझाने के लिए सर ने एक क्वेश्चन दिया होगा 27°, 54°, तो आपने 1:16 कर दिया होगा डिग्री में काट के, तो सर ने बताया होगा केल्विन होता है, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में रखो, तो बेटा वो क्वेश्चन आपको थ्योरी क्लियर कर देगा। तो आपने क्लास में जो भी क्वेश्चन किए थे पहली बार, उन क्वेश्चनों को पढ़ो, मन में प्लानिंग करो, जैसे आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पूरी क्लास नोट क्लास याद आ जाएगी कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा किया था, और आगे बढ़ते रहो। तो क्वेश्चन पढ़ो, उसका मन में सॉल्यूशन सोचो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि पहली बार आपने कर लिया उसको, अब तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो आगे बढ़ जाओ बेटा, और कोई थ्योरी की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जहां क्वेश्चन में अटको वहां थ्योरी देखो कि सर ने इसमें क्या बताया था। तो बेटा आप फिजिक्स में क्वेश्चनों का रिवीजन करोगे, और वो भी वो क्वेश्चन जो आपने पहली बार खुद ने किए थे, क्लास नोट्स, सबसे पहले क्लास नोट्स में लिखे गए क्वेश्चनों का रिवीजन होगा, और वो रिवीजन में आप एक एक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन छिपाओगे, मन में फील बनाओगे ऐसे ऐसे किया था, पूरी क्लास याद आ जाएगी मेरी गारंटी है, और आगे पन्ने पलटते रहो। बेटा जो चीज पहली बार में 3 घंटे में पढ़ी थी, उसका 15 से 20 मिनट में रिवीजन होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिवीजन का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। 20 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, 15 मिनट लास्ट है सर। अब सारे क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो सर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरे से होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल आएगा। जो आपने टेस्ट पेपर दिए थे वो टेस्ट पेपर वापस खुद कर लो, जैसे आप याद है पार्ट टेस्ट देते हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे वो वापस दे दो, लास्ट तक टेस्ट सारे अटेम्प्ट करो, मेजर टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दो। उससे क्या होता है बेटा, टेस्ट में आप जब फुल सिलेबस के टेस्ट देते हो तो पूरा सब्जेक्ट पूरी फिजिक्स एक साथ चलती है बेटा, इजी से इजी अगर आप टेस्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस उस टॉपिक पे 2 गुना 3 गुना हो जाता है। एक क्वेश्चन अगर आप टेस्ट में सही कर देते हो तो वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है वो बेटा खुद भली 50 क्वेश्चन कर लो नहीं बढ़ेगा। अच्छा रिवीजन करते हो तब जैसे मान लो आप टेस्ट वापस दे रहे हो, टाइम लिमिट में दो, उससे दो बातें होगी, तेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तेरी स्पीड बढ़ेगी, और कम टाइम में तेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आप टाइम लिमिट लेके काम नहीं करते हो तो पता पड़ा वही रिवीजन, बार बार उठ रहे हो, बाजार जा रहे हो, इधर घूम रहे हो, दोस्तों से बातें कर ली, फोन पे बातें कर ली, 3 घंटे में आधे घंटे का आउटपुट आया। और यही आपने अगर टाइम ले लिया कि 45 से 50 क्वेश्चन करूंगा और 1 आवर का टाइम ले लिया, घड़ी सेट करके क्लॉक सेट करके बैठ गए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका बहुत जबरदस्त आउटपुट आएगा। वो 1 घंटे जो आप पढ़ाई करोगे वो यादगार पढ़ाई बनेगी, ठीक है। तो रिवीजन अपन ने जो पढ़ा है उन्हीं चीजों का करेंगे। दोस्त ने कोई भी बुक करी हो तू बिल्कुल विचलित मत लो, लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब मत रख, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कर रहे हैं लोग, मेरा क्या होगा, उसने ये कर लिया, ये बेटा सारे रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग है, लाइलाज रोग है, इस रोग से अपने को खुद को बचाना, बचाव ही उपाय है, समझ में आई। तो बच्चों इनसे बचना ही क्योर है,
ठीक है, तो इन रोगों से बचे और अपने रिवीजन को मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करे। बेटा मेरी फर्स्ट रैंक थी और मैंने ऐसे ही रिवीजन किया था, बात खत्म, क्लियर है? इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो बच्चों रिवीजन इसी तरीके से होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।